वेलकम गाइस, ये है मेरा जहां। आज जो हम कॉमिक शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है शिव का शाप। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। रामपुर गांव में बाकेलाल के माता पिता खुशी खुशी रहते हैं। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त हैं। एक दिन कैलाश पर्वत पर पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी यह कौन है जो इस समय आपकी आराधना करती है? शिव जी बोले, यह मेरी सच्ची पुजारन गुलाबवती की पुकार है। तब पार्वती जी की इच्छा गुलाबवती से मिलने की हुई। दोनों ने गुलाबवती को दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। गुलाबवती ने पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। कुछ महीनों बाद उनके यहाँ एक बच्चा हुआ जिसका नाम उन्होंने बाकेलाल रखा। 8 साल बाद अब बाकेलाल माता पिता के लाड प्यार में बहुत ज़्यादा शरारती हो गया। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से बाकेलाल को देखने की इच्छा व्यक्त की। तब पार्वती जी और भगवान शिव दोनों बाकेलाल के घर पर आए। तब बाकेलाल की माँ ने दूध गर्म किया और दूध को गिलास में करके भगवान के दर्शन करने चली गई। तभी बाकेलाल को मेंढक दिखा। शरारती बाकेलाल ने मेंढक को दूध के गिलास में डाल दिया और जैसे ही भगवान शिव दूध पीने वाले थे तभी उसमें से मेंढक निकल आया। इस बात से गुस्सा होकर भगवान शिव ने बाकेलाल को शाप दिया कि वो हमेशा शरारती रहेगा। तब बाकेलाल की माँ ने विनती की। शिव जी बोले, मेरा शाप मिट तो नहीं सकता लेकिन मैं इसका प्रभाव कम कर देता हूँ। बाकेलाल जब भी शरारत करेगा उससे दूसरों को लाभ होगा और उस लाभ का कुछ हिस्सा बाकेलाल को भी मिलेगा। कुछ दिन बाद एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा अफसोस कर रहा था। तभी बाकेलाल को शरारत सूझी। उसने पेड़ पर लगे मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर मार दिया। अरे पाप रे, मुसीबत! आदमी ने सही समय पर अपनी पगड़ी खोलकर ओढ़ ली लेकिन पत्थर लगने से मधुमक्खी के छत्ते में छेद हो गया था और छत्ते के नीचे रखा आदमी का मटका शहद से भर गया। अगले दिन, अरे ये तो वही लड़का है जिसके कारण मुझे शहद प्राप्त हुआ था। बेटा सुनो तो, आदमी ने कहा। बाके आदमी को देखते ही भागने लगा। बाके ने सोचा, अब तो मेरी खैर नहीं। बेटा तेरी वजह से मुझे 10 सिक्कों का फायदा हुआ है, ये ले एक सिक्का और मौज कर। एक दिन, अच्छा तो पड़ोसी खाएंगे आम और ललचाएगा बाके? बाकेलाल पौधा उखाड़ते हुए बोला, अरे बाप रे, सोने के सिक्के! तभी सत्यानाश, हमने जो धन चुराया था वो इसने देख लिया है, चोर बोले। बाप रे, भागो! भागते हुए बाकेलाल दीवार कूदा। सामने सिपाही थे। क्या बात है बेटा, तुम क्यों घबरा रहे हो? सिपाहियों ने पूछा। चोर सिपाहियों को देखकर भागने लगे। पकड़ो! दोनों को सैनिक चिल्लाए। सिपाहियों ने चोरों को पकड़ लिया। सरपंच, जल्दी से अपनी जबान खोलो वरना, चोरों ने सारी बात बता दी। फिर अब तक की सारी चोरियों का धन बरामद कर लिया गया है। दूसरे दिन भाइयों, बाकेलाल ने चोरों को पकड़वा कर अनेक चोरियों का माल दिलवाया है। मैं इस माल में से 10वां भाग बाकेलाल को देता हूँ। सब्सक्राइब करें मेरे जहां को और बने हिस्सा इस जहां का, जहां हम जीते हैं एक अलग दुनिया, कॉमिक्स की दुनिया में।